नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में खास पेशकश होगी गेम ऑफ चांस के मायाजाल की। महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप के मास्टरमाइंड की पूरी कुंडली होगी आज। कैसे चार दोस्तों ने सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म तैयार किया, जूस सेंटर से सट्टे का किंग पिन कैसे बना सौरभ चंद्राकर, कपड़े की दुकान पर काम करने वाला जिसका साथी इस गैंग में शामिल हुआ, चार दोस्तों के जुर्म का वो याराना जिसकी पूरी कहानी देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, कैसे रसूखदारों से कनेक्शन जुड़ा, आप भी देखिए महादेव ऐप का मायाजाल। इसके साथ जुर्म की कई और दास्तां भी होंगी आज के क्रिमिनल्स में। ये कहानी है सट्टे के काले कारोबार की। ये कहानी है उस मास्टरमाइंड की जिसने करीब चार साल पहले एक ऐप बनाया, ऑनलाइन बैटिंग ऐप महादेव बुक, और करोड़ों का सामी बन गया, जिसकी शादी में बॉलीवुड के सितारों ने चार चांद लगाए थे। महादेव बुक ऐप का वो माया जाल जिसके मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर की पूरी कुंडली हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे जूस सेंटर चलाने वाला महज चार साल में बन गया सट्टे के कारोबार का किंग पिन। देखिए आप भी। जूस सेंटर से वो बना सट्टे का किंग पिन। चार दोस्तों के जुर्म का याराना। दुबई से ऑनलाइन सट्टा लाइव। इंटरनेशनल कनेक्शन की लाइव तस्वीर। चार साल 600 करोड़ का ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन सट्टा कारोबार, इंटरनेशनल कनेक्शन। महादेव ऐप का माया जाल, मास्टरमाइंड की कुंडली। ऑनलाइन सट्टे का कारोबार, ऑनलाइन सट्टे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म महज चार साल, और इन चार सालों में वो बन गया सट्टे के खेल का बाजीगर, सट्टा कारोबार का किंग पिन, भिलाई का एक नौजवान, नाम सौरभ चंद्राकर। महादेव ऐप का प्रमोटर, जिस खेल का कनेक्शन इंटरनेशनल है, छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला नौजवान सौरभ चंद्राकर कैसे जूस सेंटर से इस कारोबार का किंग पिन बन गया करोड़ों का खेल, आज उसकी पूरी कुंडली हम आपको बताएंगे। पहला बिजनेस सौरभ ने पार्टनरशिप में जूस फैक्ट्री की शुरुआत की। 2019 तक जुआ खेलकर हारे हुए सौदागर जूस पीने दुकान पर आते। रसूखदार सटोरियों से सौरभ ने दोस्ती की। इसके बाद रसूखदार लोगों से सौरभ के कनेक्शन जुड़ते गए। ये है भिलाई का नेहरू नगर का सबसे पॉश इलाका, और मेरे ठीक पीछे में आप देख रहे होंगे ये है जूस फैक्ट्री जहां पर सौरभ चंद्राकर काम किया करता था, और यहीं से उसकी नींव रखी गई जब महादेव ऐप की, जिसने आज संपूर्ण देश सहित विदेशों में अपनी पैठ जमा ली है। इसकी शुरुआत हुई थी कोरोना काल के दौरान। साल 2020 ये वो वक्त था जब ऑनलाइन बेटिंग का ये खेल सबसे ज्यादा फला फूला। कोरोना काल का वक्त, सौरभ चंद्राकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सूत्रों की माने तो उसने जूस सेंटर में एक वेबसाइट देखी, दिमाग में ख्याल आया क्यों ना वो ऑनलाइन सट्टे का ऐप बनाए। जिसने घर बैठे एक ऐप बनाया, पहले दिन उसे करीब 50,000 रुपए का मुनाफा हुआ, दूसरे दिन हाई जंप मिला, करीब एक महीने में लाखों की आमदनी हुई। सौरभ चंद्राकर भिलाई का रहने वाला है, और
शुरुआती दिनों में एक जूस सेंटर, इनका जूस सेंटर संचालन करता था और साथ साथ सट्टे का भी की भी इसके संबंध में जानकारी मिली कि सट्टे का भी छोटा मोटा काम करता था। उसके बाद रवि उप्पल के साथ मिल करके इन लोगों ने कुछ ट्रेनिंग ली ऑनलाइन गैम्बलिंग के संबंध में हैदराबाद जा करके, और फिर उसके बाद फिर इन लोगों ने अपना खुद का ऐप बनाया महादेव ऐप, और अब दुबई में जा करके अभी ये लोग इस पूरे ऐप का संचालन कर रहे हैं। ये देखकर उसे ख्याल आया, क्यों ना इस खेल में दूसरे लोगों को शामिल करो। जान पहचान वाले जुआरियों को पहले आईडी बांटी, इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में आईडी बांटने का प्लान बनाया। इस खेल में महादेव बुक का प्रमोटर सौरभ का राइट हैंड बना रवि उत्पल, एक और साथी जो जीन्स की दुकान पर काम करता था। चार दोस्तों के जुर्म का ये याराना, क्योंकि सबके पास में स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो आजकल कई सारे रिमोट लोकेशंस को मोबाइल फ़ोन के जरिए जोड़ दिया जाता है। कई सारे गेम्स वगैरह जो हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल रहते हैं, जिसमें आप गेम्स खेल भी सकते हैं पैसे लगा करके, अदरवाइज बेटिंग भी कर सकते हैं, मतलब जो कि हमारे देश में प्रतिबंधित है। तो बेटिंग का जो पैसा होता है वो इनके माध्यम से लोग लगाते हैं, और उसमें हार जीत के हिसाब से जो है इन लोग अपना कमीशन रखते हैं, और जो पैसा लगाने वाला है उसको पैसा रिटर्न होता है। तो उसमें ये लोग, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप का इन्होंने काम किया, काफ़ी लोगों को जोड़ लिया कम समय में, तो इनको काफ़ी मुनाफा हो गया उससे। सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल का ये याराना महादेव बुक को बढ़ाने का प्लान। दोनों दुबई से पूरा रैकेट ऑपरेट करने लगे। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप का मास्टरमाइंड, जिसने दुबई को अपना ठिकाना बना लिया है। दुबई से कैसे ऑपरेट होता है यह कारोबार, आज आपको हम लाइव दिखाएंगे। जिस गेम में एक के बाद एक पैनल बढ़ते गए, वो चैन जिसमें टारगेट पर यंगस्टर्स हैं, सट्टे के दलदल में मुनाफे की डील, गेम ऑफ चांस का ये मायाजाल, आप भी देखिए। सट्टे का दलदल, दांव पर यंगिस्तान, दुबई में ट्रेनिंग, टारगेट पर नौजवान। हाईटेक सट्टा, बैटिंग में मुनाफे की डील। सट्टा कारोबार, करोड़ों का खेल। कैश से ऐश का शॉर्टकट। गेम ऑफ चांस, मायाजाल, सपनों की दुनिया, माया की माया नगरी, जिसे ही हकीकत बनाकर उसे यंगस्टर्स के सामने पेश किया गया। महादेव ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, जिसने यंगिस्तान को टारगेट किया बल्कि ट्रेनिंग भी दी, ये वही वीडियो है जो पकड़े गए सटोरियो के मोबाइल से पुलिस को मिला था। कैसे ऑपरेट हो रहा था दुबई से सट्टे का कारोबार, जूस सेंटर से सट्टे के कारोबार में किंग पिंग बना सौरभ चंद्राकर, जिस पर इस ऑनलाइन बैटिंग के मामले में पहले एफआईआर दुर्ग के मोहन नगर थाना इलाके में दर्ज हुई 30 मार्च 2022 को। महादेव ऑनलाइन ऐप जो था, जिसके थ्रू कई सारे ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को जोड़ा हुआ था, इसके विरुद्ध दुर्ग पुलिस ने काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की। काफ़ी सारे लोगों को जो इसके पैनल चलाते थे उनको अरेस्ट किया, काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ किया, अमाउंट्स को होल्ड कराया बैंक अकाउंट्स पर। इस तरीके से हमारी टीम ने पिछले साल डेढ़ साल में काफ़ी कार्रवाई की है। साथ साथ जो इनके मेन संचालक हैं, सौरभ चंद्राकर है, रवि उप्पल है, इनके विरुद्ध हम लोगों ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी कराया। हाईटेक सट्टा कारोबार, जिसका किंग पिन दुबई में बैठा है। दुबई में बैठे सरगना कैसे नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं, कैसे मुनाफे के खेल में ट्रेनिंग दी जाती है, जिस फायदे के सौदे में
नौजवानों को बरगलाया जाता है जिन्हें बाकायदा सैलरी पर रखा जाता और फिर लगते हैं सपने दांव पर। कैश से ऐश का शॉर्टकट, यही सपने नौजवानों को दिखाए गए जिसमें एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई, कई पैनल दिए गए, कई राज्यों में सटोरियो और उनकी गुर्गों के यंगस्टर्स मोहरे बने, महीने में लाखों रुपए की आमदनी। इसमें मतलब दुर्ग पुलिस के अलावा प्रदेश की बाकी पुलिस भी इसमें काम की है काफ़ी ज़्यादा, और मुझे लगता है कि पैनल संख्या की बात करें तो एग्जैक्ट संख्या तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 100 से ज़्यादा हम लोगों ने पैनल्स जो हैं उसको ध्वस्त किया होगा इसमें। और उसके अलावा कई सारे थानों में हमारे FIR किए हुए हैं, कई लोगों को हमने इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट जो नया बना था उसमें भी गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाला खुलासा ये कि दुर्ग और भिलाई के 70 से 80 युवाओं को दुबई में ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ तक कि इस दलदल में फंसे नौजवान जब निकलने की कोशिश करते तो उन्हें किडनैप तक किया गया। गोवा में जब पुलिस ने रेड मारी तो सुयश ताम्रकार, जिसे बंधक बनाकर रखा गया था, उसे छोड़ने के एवज में 10 लाख की फिरौती तक मांगी गयी थी। अब कहानी किराए के बैंक अकाउंट की भी, ये भी इस खेल का हिस्सा है। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, कुछ लोगों के हिस्से किराए के बैंक अकाउंट खरीदना भी होता है जिन्हें बकायदा कमीशन मिलता है। ये लोग कभी लोन के नाम पर, कभी फायदे की स्कीम के नाम पर लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और फिर उस बैंक अकाउंट को किराए पर दे देते हैं जिसमें होता है मनी का ट्रांजेक्शन। अभी जो पुराने जितने भी हमारे मामले थे उसको, उसके जो अकाउंट्स और बैंक और फ़ोन डिटेल्स वगैरह थे उसको स्टडी करके उससे जो आगे का लिंकेजेस निकल सकता है वो निकाला जा रहा था, जा रहा है। और साथ साथ लोकल स्तर पे भी हम लोग अपना सूचना तंत्र मजबूत किए हैं। अभी लोकल स्तर पे कोई शिकायत मिली नहीं है पैनल वगैरह चलने की। बाहर जहाँ जहाँ राज्यों में पैनल चल रहे थे वहाँ भी हमारी टीम जा करके कार्रवाई करके आई है, और जैसे आगे जानकारी मिलेगी तो हम कार्रवाई करें। पुलिस के एक्शन की बात की जाए तो कई राज्यों में रेड मारी गई। दुर्ग पुलिस ने 34 रेड मारी, करीब 200 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 231 बैंक अकाउंट सीज किए। पुलिस को बैंक से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1 अरब से ज्यादा के लेन देन का खुलासा हुआ, फ्रीज किए गए इन अकाउंट में। आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है। अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रडार पर है ये मामला, जिसमें नामचीन फिल्मी सितारों को समन भी जारी किया गया है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर और रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ऑनलाइन महादेव बेटिंग ऐप में बड़ा एक्शन हुआ है। ईडी की जांच की आज बॉलीवुड के कई बड़े सितारों तक पहुंच गई। अब ईडी ने फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर के बाद श्रद्धा कपूर को नोटिस भेजा है, समन भेजा है। इससे पहले कॉमेडियन कपिल शर्मा, होमा कुरैशी और हिना खान को भी ईडी ने समन भेजा है। बताया जा रहा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर की शादी में ये सितारे शामिल हुए थे। महादेव बेटिंग ऐप केस में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। एक्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है और मामले की जांच की आंच देश के कई राज्यों से निकलकर माया नगरी तक पहुंच चुकी है। अभिनेता रणवीर कपूर के बाद अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के दरवाजे पर भी ईडी के समन ने दस्तक दे दी है। इसके अलावा अभिनेत्री हुमा कुरैशी, हिना खान, कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी समन जारी किए गए हैं। खबर यह भी है कि इस मामले में कई और लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जा सकते हैं। महादेव बैटिंग ऐप के मामले में कई और फिल्मी सितारे हैं जो ईडी के रडार पर हैं। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 6 लोगों को समन जारी हो चुके हैं। ईडी के सूत्रों की माने तो अभी बॉलीवुड के करीब 14 से 15 कलाकार और कई बड़े खिलाड़ी रडार पर हैं और किसी भी वक्त उन्हें नोटिस जारी हो सकता है। ईडी ने सबसे पहले रणवीर कपूर को समन भेजा था। रणवीर कपूर को भी ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी से 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। अब श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान और कपिल शर्मा को समन भेजे गए हैं।
सभी पर महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप है। ईडी को शक है कि ऐप को प्रमोट करने के लिए सितारों को मोटी रकम दी गई थी। आरोप ये भी है कि यूएई में हुई महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में इन्होंने परफॉर्म किया था, जिसके लिए इन्हें कैश पेमेंट की गई थी। ईडी को पेमेंट में हवाला कनेक्शन होने का भी अंदेशा है। महादेव ऐप की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें कई चेहरे फंसते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर बॉलीवुड के दिग्गज ईडी के निशाने पर आए कैसे? इसकी शुरुआत हुई महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी से, जिसका वीडियो सामने आया तो ईडी की नजरें टेढ़ी हो गई। शादी की तस्वीरें आप भी देखिए। इन तस्वीरों और शादी में परफॉर्म करते कलाकारों से भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। बस यहीं से शुरुआत हुई ईडी के एक्शन की। इस साल फरवरी में महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की दुबई में शादी हुई थी। शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है और आरोप है कि 200 करोड़ रुपए की रकम कैश में खर्च की गई। दुबई में हुई इस शाही शादी में सौरभ चंद्राकर ने मुंबई से कई फिल्मी हस्तियों और सितारों को बुलाया था। यही नहीं, शाही शादी के लिए मुंबई से ही वेडिंग प्लानर, डेकोरेटर और डांसर भी बुलाए गए थे। कुछ दिन पहले ही ईडी ने महादेव ऑनलाइन ऐप मामले में मुंबई, भोपाल और कोलकाता में बड़ी छापे की कार्रवाई की थी। जानकारों के मुताबिक मुंबई में हुई छापे की कार्रवाई के दौरान पता चला कि हवाला के जरिए करोड़ों की रकम दुबई ट्रांसफर की गई थी और इसी रकम से महादेव ऐप के प्रमोटर की रॉयल वेडिंग हुई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। कोई हैरानी नहीं जब इस मामले में और भी कई बड़े नाम सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।